हाय गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो बैंक निफ्टी स्पेशल। यस गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये बैंक निफ्टी का स्पेशल है और थंबनेल जैसे देखे हैं बिल्कुल उसी का प्रूफ दूंगा इस वीडियो में और बैक टेस्ट कराऊंगा। साथ में आप कल से ही ट्रेड शुरू कर सकते हो। बट मैं क्या कहता हूँ, किसी का बातों पर आके आग बंद करके आपको बिलीव नहीं करना है। चाहे मैं हूँ, चाहे वो है, चाहे वो है, चाहे वो है, कोई भी है, मैं जो आज आपको मैं सिखा के जा रहा हूँ ना, इन चीज को आप कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बैक टेस्ट कीजिए। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सारे सारे सब कुछ मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो आप सब लोग ना बैंक निफ्टी का ट्रेडर्स है, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अरे सर, बैंक निफ्टी में इतना वॉलेटाइल रहता है, मैं तो करता नहीं हूं, क्योंकि इतना ह्यूज लॉस हो जाता है ना। वो भी मैं बताऊंगा किस लॉस का परेशानी से कैसे बचे, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा गाइस ये वीडियो, और मैं काफी दिन सोचने के बाद ये मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो और इस वीडियो से अगर आपको प्रॉफिट आता है, तो प्लीज जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, हर रोज एक बार वीडियो को ढूंढ के एक कमेंट जरूर लिख देना। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो में बैंक निफ्टी का चार्ट पे, और क्या चार्ट सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूं उसे जरूर फॉलो करना। ओके चलिए, जस्ट वन मिनट, स्क्रीन लेकर आता हूं आपके सामने। राइट साइड में रखता हूं, इट्स ओके। चलो तो और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं मेरे स्क्रीन को। ओके ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, अब देखिए यहां पे ना बैंक निफ्टी का हमने 15 मिनट का चार्ट लगा रखे हैं। कितना? यहां पे हमने 15 मिनट का चार्ट लगा रखे हैं। आई होप कि आपको इतना तो समझ में है, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर्स है, कि चार्ट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है ना। अगर इन सब चीज़ों को नहीं मालूम है, नहीं पता है, तो मैं बोलूँगा हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इन तमाम चीज़ के ऊपर हम वीडियो कंटिन्यू छोड़ते रहेंगे। ओके, डिसिप्लिन क्या होता है मार्केट का, इनके ऊपर वीडियो छोड़ते रहेंगे। तो अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, सबसे पहले जाके आगे ढूंढ के वो दबा लो। ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ एक आधा वीडियो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तभी जाके मेरा वीडियो को सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाना, अगर आपको रिजल्ट मिलता है। ओके चलो गाइज, तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये बैंक निफ्टी है। ओके, बैंक निफ्टी का इस पार्ट में मैं बता रहा हूं कि आपको सेटअप क्या होगा, कब बाइंग करना होगा, कब स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला सेटअप में हम बताएंगे कि इसके साथ और क्या क्या कंफर्मेशन आपको होना चाहिए, राइट? कोई भी कंफर्मेशन नहीं आए, फिर भी आप आज का वीडियो में बहुत अच्छा एक लेवल ढूंढ पाओगे और हर रोज विद इन 15 मिनट अच्छा प्रॉफिट करके निकल जाओगे। ओके चलिए, तो जैसे आपने थंबनेल देखे हैं कि 3 मिनट स्ट्रेटजीज है ना, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, कितना? 3, राइट? चलो तो हमने यहां पर 3 मिनट स्ट्रेटजीज लगाया। ओके, अब जो लास्ट ट्रेडिंग डेज हुआ है, आज डेट हो रहा है आपको आई थिंक 16th अप्रैल, तो इससे पहले जिस दिन ट्रेड हुआ है मार्केट में, ये हमारा सामने है बिल्कुल यहाँ से लेके और यहाँ तक 13th अप्रैल को ट्रेड हुआ है मार्केट में। तो 13th अप्रैल को ट्रेड होने के बाद फर्स्ट कैंडल क्या बनाया था, देखो 3 मिनट का कैंडल है, ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अरे गाइस, ध्यान हटना नहीं, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है और अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो मेरे साथ सिर्फ एक छोटी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं, प्रैक्टिस करना है, वीडियो देखने के बाद ही प्रैक्टिस करना है। ओके, तो क्या किया मैंने, यहां पे 3 मिनट का कैंडल लगाया, फर्स्ट 3 मिनट बहुत अच्छा लो आया, आया गाइस, आया। ओके, नेक्स्ट 3 मिनट क्या क्या, इसी कैंडल के अंदर ये 3 मिनट बनाया, दिख रहे हैं आप? पहले आप सेटअप समझ लीजिए, उसके बाद मैं बैक टेस्ट कराऊंगा गाइज, ऐसे नहीं मैं सेटअप लेके चला जाऊंगा, बैक टेस्ट करा के रिजल्ट दिखा के जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट 3 मिनट का कैंडल आपको करना क्या है, नेक्स्ट 3 मिनट का कैंडल को देख लेना है कहां पे हुआ है। ओके, तो मैंने नेक्स्ट 3 मिनट का कैंडल पे टॉप और बॉटम को मार्क कर देता हूं, ये देखिए टॉप को मैं मार्क कर दिया, बॉटम को मैं मार्क कर दिया, राइट? अब देखो जैसी नेक्स्ट 3 मिनट से बॉटम, मतलब प्रीवियस कैंडल का बॉटम बिल्कुल पास में ही है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल पास में ही है, तो यहां पे हम इस 3 मिनट का लो के नीचे नहीं लेंगे, प्रीवियस 3 मिनट का लो के नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस
हो गया सेटअप, कुछ भी बाकी सेटअप नहीं है आपको, सिंपल सी सेटअप है, सिर्फ कैंडल स्टिक है। कौन सी कैंडल स्टिक? सिंपल कैंडल स्टिक, कोई हाइकनेशी नहीं है, कोई अलग कैंडल स्टिक नहीं है। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन रिजल्ट, करके देखिए आप। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? अब मुझे ना जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, कोई कोई दिन आपको ऐसे भी होगा कि फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनाया, सेकंड कैंडल यहां पे बनाया और इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे कभी कभी आपको इस कैंडल का हाई तक वेट करना चाहिए, राइट? इस कैंडल का हाई तक वेट करना चाहिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आपके सामने आएगा, जिन क्राइटेरिया को मैं हर एक वीडियो में पार्ट पार्ट करके मैं क्लियर करता रहूंगा। आप लोगों को जितनी कमेंट्स आएगा, सर इस स्ट्रेटेजी में मुझे ये दिक्कत आ रहा है, इस स्ट्रेटेजी में मुझे ये दिक्कत आ रहा है, जैसे जैसे कमेंट्स आएगा मैं हर कमेंट्स के ऊपर वीडियो, कमेंट्स आने नहीं दूंगा, सिर्फ आपको कमेंट्स आने दूंगा, सर इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। कैसे लगेगा अगर ऐसी कोई वीडियो मिल गया तो? हमने क्या सेटअप किया, 3 मिनट्स का चार्ट बनाया, फर्स्ट 3 मिनट को छोड़ दिया, सेकंड 3 मिनट का हाई को ब्रेक करने के बाद हमने बाय कर लिया। ओके, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हमने बाय कर लिया, अब स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस समझ में आ गया, इसी कैंडल का लो, या तो जस्ट इसका प्रीवियस कैंडल अगर इसका करीब ही लो होता है तो उस कैंडल के नीचे हमने लो स्टॉप लॉस बनाना है। देखो अब जो ये टैक्टिस है ना, स्ट्रैटेजीज, टैक्टिस, हम आपको पता होगा कि मैं डिफेंस से हूं और डिफेंस का एक सब्जेक्ट होता है टैक्टिस, यानी कि लड़ाई का जीतने का टैक्टिस। तो वहां पे हमारा कमांडेंट साहब बोलते थे, और किताब में भी यही लिखा हुआ है कि टैक्टिस सबका अपना अपना होता है, कोई आपको हाथ पकड़ के ना टैक्टिस नहीं सिखाएगा। हाँ, एक दो टैक्टिस आपको एज पर रूल्स, एज पर किताब आपको बता सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि उस सिचुएशन पे अपना दिमाग से प्रैक्टिस निकालना है, दैट इज टैक्टिस। आपको गाड़ी गाड़ी में चलते चलते अचानक ऐसे मोड़ आ गया है जहां पर रास्ता आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। अब मान लो आप बहुत अच्छा किताब पढ़े होंगे कि अच्छा ऐसे अगर रास्ते में पेड़ गिर जाता है तो आपको गाड़ी आगे कैसे ले जाओगे, तो जो किताब में लिखा हुआ है क्या वही सोल्यूशन आपको ढूंढना है, या फिर आप खुद से सोल्यूशन निकाल पाओगे कि उस पेड़ से आगे आप कैसे जाओगे? गाड़ी भारी है तो ऊंचा करके उठा के नहीं लेके जा पाओगे, तो आपको क्या अपनाना होगा? ओके, दैट इज टैक्टिस। यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं इस बात को कि कभी कभी इस जगह पे स्टॉप लॉस के लिए आपको खुद का टैक्टिस भी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप इस 41 के पास, आपने 41,500 का सीई बाई किया, राइट? अच्छा, इस हाई ब्रेक होने के बाद पी तो बाई नहीं करना है, समझ रहे हो आप? अब इस हाई ब्रेक होने के बाद पी तो बाई नहीं करोगे ना, डेफिनेटली हाई ब्रेक हो रहा है मतलब पॉजिटिव जाना चाहिए, तो हमें क्या बाई करना चाहिए? क्या बाई करना चाहिए? यस, सीई बाई करना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव साइड का व्यू है। क्लियर? अब स्टॉप लॉस क्या होगा, पहली बात बताया, स्टॉप लॉस के लिए मैं तो यहां पे एक फॉर्मूला बता दूंगा, बट आपको अपना अपना टैक्टिस से स्टॉप लॉस लेना चाहिए। डर ज्यादा होगा तो आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्या बोलता है सलमान खान जी? डर के आगे जीत है, थम्स अप। आपको दिक्कत हुई है, मेरा पेन गिर गया, चलो 1 मिनट मैं पेन को निकालूंगा। ओके, तो कैसे लग रहा है वीडियो? अभी खत्म नहीं हुई वहां। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो। चलिए, तो कहां पे बाइक किया, क्या बाइक किया? तो देखो जहां पे हाई ब्रेक हुआ, किस लेवल पे मार्केट चल रहा है, जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है उसी लेवल का सीई हम, इसी लेवल का सीई हमने बाइक किया। बाइक करने के बाद टारगेट, देखो मैं हमेशा बोलता हूं जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होते हैं आपको दिख रहा होगा, एवरी 10th एंड 25th हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता है, जहां पे इस तरीके से चार स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। ओके, तो वहां पे हम बताते हैं कि आपको जो टारगेट लेना होगा स्टॉक ट्रेडिंग, यानी कि इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए मिनिमम टारगेट 1% डिसाइड करना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम टारगेट 10% डिसाइड करना होगा। अरे सर, इतना कम टारगेट देते हो, 10%, फलाना टेलीग्राम चैनल तो आपको 50% रिटर्न देता है, ऐसे है क्या?
गाइज मैं बोलता हूँ, मैं आपको एक दिन में ना आसमान में नहीं पहुंचा सकता हूँ। हाँ, आपके अंदर अगर प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपर सपोर्ट लेवल आप जानते हो, तो दिन में 3 या 4 ट्रेड करके आपको कैपिटल को 50% गेन ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं 10% ही दिला रहा हूँ आपको। बट इस 10% से कैसे आपको 50% पे जाओगे, इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो इसका नेक्स्ट एपिसोड में आपको आएगा। अगर आपने बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा, आप लाइक बटन दबाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा इसके बाद कि इस 10% को आप कैसे 50% पे लेके जाओगे, राइट? तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम आपको 10% प्रॉफिट दिला रहे हैं। कैसे दिला रहे हैं कि सेकेंड 3 मिनट का हाई ब्रेक होगा, स्टॉप लॉस आपको बता दिया, और यहां से जिस ऑप्शन पे आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो ये 200 रुपया का है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज भी आता है, सर आप टेलीग्राम चैनल पर 10% लिख दिए हो, बट कितनी पॉइंट होगा? अब आप ही बताओ, अगर मैं 230 रुपया का कोई कॉल ऑप्शन पे काम कर रहा हूँ, 230 रुपीज का कॉल ऑप्शन पे काम कर रहा हूँ, 10%, यानी कि मुझे टारगेट कितना होगा, 10 तक गिनो। मेरे को बहुत व्हाट्सएप आता है, सर आपने 10% लिखो, बट कितना होगा? चलो गाइस मैं ही बता देता हूँ, इतना सोचो मत, ठीक है, दिमाग हैंग हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, 230 रुपये का 10% 23 रुपया है कि नहीं, 23 पॉइंट। तो आपको यहां पे 20 पॉइंट का टारगेट देना पाए, राइट? समझ में आया? अब बोले सर इतने ही प्रॉफिट, देखो बहुत 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 स्टूडेंट को ये लगेगा, अरे सर ऑप्शन मार्केट तो 20 पॉइंट ऐसे ही ले लेते हैं हम, आपका वीडियो देखने का क्या जरूरत है, ऐसा है क्या? चलो गाइज अगर ऐसे होगा तो आपको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा मार्केट में, अगर बहुत प्रॉफिट होता तो आप मेरा वीडियो नहीं देखते। सर गाइज थोड़ा सा क्लियर बोलता हूँ मैं, बुरा मत मानिएगा, ओके? तो गाइज 10% ही निकालना सीखो, और नेक्स्ट वीक में मैं इसी 10% को कैसे 50% तक लेके जाओगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो स्ट्रैटेजी के अंदर कोई यहाँ पे बाकी चीज़ नहीं है, आपको नेक्स्ट 3 मिनट का हाई ब्रेक होगा तो आपको बाइंग करना होगा एट द रेट मनी स्ट्राइक प्राइस, राइट? फर्स्ट रेजिस्टेंस हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो मॉर्निंग का जो हाई होता है ना, ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है, अगर इससे भी ब्रेक हुआ तो और एक बार और ऊपर जाता है, ओके? तो हमारा यहां तक पहुंच जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे को इस कॉल पे 10% नहीं 20% प्रॉफिट हो चुका था लास्ट ट्रेडिंग डेज में। हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लियरली ये चीज बता दिया था, इसी के ऊपर हमने कॉल दिया था। टेलीग्राम चैनल नहीं पता है, जस्ट इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टेलीग्राम चैनल सर्कल ट्रेडर्स का, सर्च करके मत लीजिएगा, बहुत सारे चोर मित्रों हैं जो सर्कल ट्रेडर्स का अलग अलग नाम पे बनाया गया है, तो उन टेलीग्राम चैनल पे फंसिएगा मत। कोई तो ऐसे है कि 2 घंटे में आपको पैसे को डबल देता है, भाई सर्कल ट्रेडर्स नहीं देता है, ओके? फंसिए मत इन सब चैनल पे। अब चलते हैं थोड़ा सा बैक टेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम है देखने का, ओके? तो लास्ट ट्रेडिंग डेज का रिजल्ट तो आपको सामने दिख ही रहा है, हमने इससे पिछले, और चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी है, इसके पिछले जो दिन ट्रेडिंग हुआ था वहाँ पे नेक्स्ट 3 मिनट यानी कि सेकंड 3 मिनट क्या बना था, यहाँ पे बना था हाई ब्रेक हुआ, हमने बाई किया। देखो जो मैं अभी बताया था, जो मॉर्निंग का हाई होता है ना, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, काफ़ी देर मार्केट बिताया, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक किया और ऊपर गया। मजा आ रहा है गाइज, मजा आ रहा है? अरे सर अभी देखने के बाद तो थोड़ी सी मजा आ रहा है, जब ट्रेड लूंगा ना तब ज्यादा मजा आएगा, सही? ऐसी सोच रहे हो? अगर आपका दिल की बात मैं कह दिया तो एक लाइक का बटन तो बनता है। चलो और भी बैक टेस्ट करके देखते हैं, और भी बैक टेस्ट करके देखते हैं इसका प्रीवियस डेज कैसे रहा। चलो यहाँ पे 3 मिनट का कैंडल है ना, बिल्कुल 9 9 9 9 9 18, क्या हुआ गाइज? अरे सर यहाँ तो फेल हो गया, ये फेल क्यों हुआ? यहाँ तो जस्ट हाई ब्रेक किया था, फेल हो गया, क्यों? वाई? थोड़ी सी आप देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्यों। पिछला दिन का हाई कहाँ पे था? जहाँ पे पिछला दिन का हाई था करेक्ट, आपको उसी जगह पे नेक्स्ट 3 मिनट हाई क्लोज हो रहा है। अब देखो बहुत सारे दोस्त है ना, अभी अभी तक हो गया है वीडियो 14 मिनट, बहुत सारे दोस्त है कि 5 मिनट 7 मिनट 3 मिनट देख रहे होंगे,
अब उन लोग सोच रहे हैं अरे हम तो बहुत क्लियरली समझ गए हैं कि नेक्स्ट 3 वीक के बाद बाइंग करना है, बट उनको ना ये स्टॉप लॉस लेना या फिर इस तरीके से कंडीशन बहुत बार मार्केट में फेस होगा, उस कंडीशन का उन लोग मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या सही बोल रहा हूँ? और देखते हैं ऐसे अगर बैक टेस्ट करोगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज आएगा, और जैसे जैसे चीजें आते रहेंगे हमने उसको सॉल्यूशन करने का भी आपको बताता रहूंगा। राइट, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया हमने बैक टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब पांचवा दिन क्या हुआ गाइस? पांचवा दिन नेक्स्ट 3 मिनट कहां पे है? बिल्कुल ये हुआ। ओके ये हुआ। अब इसका लो पे नीचे हमें क्या लेना है? पुट लेना है गाइस। पिछले दिन का हाई भी देख लो थोड़ा, इसका हाई के ऊपर हमने सी लेना है। सी लिया, टारगेट मिल गया। ओके, थोड़ा सा देखो बैक टेस्ट में ना ये सारे चीजें क्वेश्चन आपका मन में आएगा। यहां पे देखिए ठीक नेक्स्ट 3 मिनट हाई ब्रेक हुआ, बहुत परेशान किया मार्केट, बहुत परेशान किया मार्केट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है ना ये बिल्कुल करीबी था। और थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं तो गाइस ऐसे ऐसे बहुत सारी दिक्कत आपको सामने दिखाई दे सकता है, बट इन चीजों को क्लियर कब होगा? जब इसके ऊपर आपको क्लियरली अच्छा से व्यू जम जाएगा। अब आता है टारगेट, तो मैं बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया। अब इसके साथ ना थोड़ा सा आपको ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड को देखना है कि मार्केट का किस ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, ध्यान दीजिए मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, अब फर्स्ट कैंडल भी रेड हुआ, अब नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा इस टाइप का बनाया, तो मेरा व्यू रहेगा पॉजिटिव साइड पे। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नेक्स्ट दिन थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, तो मैं ज्यादा पॉजिटिव्स का सोचूंगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट क्या है, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में है। तो अगर डाउन साइड का ट्रेड मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, तो जस्ट इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप फॉलो कीजिए, इस स्ट्रैटेजीज को अपनाइए और देखिए कितना रिजल्ट मिल रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और मैं इसके ऊपर कॉल बहुत दिन देता हूं, लेकिन थोड़ा सा मल्टीपल कंफर्मेशन मैं देख लेता हूं। और मल्टीपल कंफर्मेशन के अंदर क्या क्या देखना है, कुछ चीजें तो मैं आज का वीडियो में कवर किया, कुछ चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। किसके वजह से? आपके वजह से, कि आप कितने स्टूडेंट जो है इसे लास्ट तक देखे होंगे, और आपको महत्वपूर्ण कमेंट से आप कितने लोगों को शेयर किए हैं और कितने लाइक दबाए हैं। चलो गाइस, तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आ रहा है, स्टैक प्राइस भी आपको समझ में आ गया, कौन सी स्टैक प्राइस पर ट्रेड करना है। ओके, तो इतना ही, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।